कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आपका अच्छे ब्लॉग्स में। आज संडे है और वैसे अभी नहा के मैं फ्रेश हो चुकी हूँ और चलिए अब लंच की तैयारी करती हूँ। और आज संडे है तो सबकी डिमांड होती है कुछ स्पेशल बने, तो आज काफ़ी दिनों के बाद मेरे घर में बिरयानी बन रही है। आज चिकन बिरयानी लंच में बनाने का प्लानिंग है। तो नहाने से पहले मैं चिकन मैरिनेट करके गई थी और आज ना बहुत अच्छा मौसम है। आपको मैं बाहर की साइड दिखाऊँ तो देखिए एकदम धूप है, तो सुबह सुबह काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है। तो दो दिन से मौसम साफ है इसलिए आज मैंने ढेर सारे कपड़े धोए हैं। और कल तो सैटरडे था, कल भी छुट्टी था लेकिन एक एंडो का पीटीएम था इसलिए फिर मैं कपड़े धोने का टाइम नहीं मिल पाया था। तो फिर आज मैंने धूप गए तो अच्छे से सारे कपड़े धो दिए, बच्चों के यूनिफॉर्म और भी थे तो धोना ही था, तो बस वही सब धो के सब कपड़े मैंने धूप में डाल दिए, अच्छे से सूख जाएंगे। और बारिश 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 कंटिन्यू हो रही थी ना तो धूप नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से कपड़े भी ज़्यादा धुल नहीं रहे थे। और आज मैंने बहुत सारे कपड़े धोए हैं तो बस सारे धूप में डाल दिए हैं, उनकी सफाई करके फ्रेशर हो गई हूँ। और अब चलिए अब चलते जल्दी से लंच बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ चिकन मैरिनेट करने के लिए मैंने एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच के करीब गर्म मसाला और एक चम्मच गार्लिक जिंजर पेस्ट, साथ ही दो चम्मच दही लिया है। ये बिल्कुल गाढ़ा दही है जिसमें पानी बिल्कुल नहीं होता है, हंग कर्ड जिसे कहते हैं। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे एक चम्मच बिरयानी मसाला लिया था, तो यहाँ पे मैंने एवरेस्ट का बिरयानी मसाला यूज़ किया है। और साथ ही स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे और इन सबको अच्छे से हम चिकन के साथ मिक्स करके चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। और यहाँ पे ना एक किलो के करीब चिकन है जिसे मैंने साफ़ कर लिया था अच्छे से धुल के। उसके बाद अब इसमें ना मैंने लास्ट में थोड़े से पुदीना और धनिया के पत्ते भी चॉप करके ऐड कर दिए हैं, तो इससे ना बहुत अच्छी खुशबू आती है चिकन में, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है पुदीना और धनिया का। तो बस उसे भी फिर मिक्स कर देंगे हम अच्छे से और इसे ढक के एक से डेढ़ घंटे करीब मैंने मैरिनेशन के लिए रखा था। तो यहाँ पे प्याज है, पहले चार प्याज मैंने यहाँ पे छील लिए हैं और पहले मैं इसको फ्राई करूँगी, पतला पतला चॉप करके बारिश्ता बना लूँगी। उसके बाद फिर चिकन मैरिनेट है ही तो फिर कुकिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये काम कर लूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है प्याज को फ्राई करने में। तो यहाँ पे प्याज को मैं एकदम पतला पतला चॉप कर रही हूँ, तो जितने पतले हमारे प्याज कटेंगे ना उतना ही अच्छा हमारा प्याज फ्राई होगा, मोटा पतला नहीं करना है, बिल्कुल एक साइज़ के हमें प्याज कट करने हैं। और प्याज होने के बाद अब यहाँ पे मैंने सरसों तेल ऐड कर दिया है जिसमें मैं इस प्याज को सारे को फ्राई कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं अपनी बिरयानी की रेसिपी स्टार्ट करूँगी बनाना। तो जब तक यहाँ पे प्याज फ्राई हो रहे हैं यहाँ पे मैंने चावल के लिए पानी भी रख दिया है, इसमें सारे खड़े मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं और नमक भी अभी ऐड कर दे रही हूँ। तो जब तक यहाँ पे प्याज भुनेंगे और चिकन सब भुनेगा तब तक यहाँ पे चावल मेरा बन के रेडी हो जाएगा। और चावल को भी मैंने भिगो के रख दिया था आधा घंटा करीब, तो बस सब ये पानी अच्छे से बॉईल हो जाए तब इसमें चावल ऐड करूँगी और इसमें भी नमक ऐड कर दूँ। तो यहाँ चावल में हम अच्छे से नमक ऐड करेंगे, पानी नमकीन होगा हमारा तभी हमारे चावल भी अच्छे से नमकीन बनेंगे। तो ये हमारा प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है और अब इसी ऑयल में मैं दो आलू फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे आलू फ्राई हो रहा है और साथ ही यहाँ पे चावल भी मैंने दे दिया है, पानी अच्छे से बॉईल हो गया था तो ऐड कर दिया है। और साथ ही मैंने इसमें एक चम्मच घी भी ऐड किया है ताकि जो हमारा जो बिरयानी का जो चावल है एकदम खिला खिला सा बने। और यहाँ पे ऐसे तो बिरयानी में बड़े साइज़ का आलू यूज़ होता है लेकिन मेरे पास नहीं था तो ये मीडियम साइज़ के दो आलू मैंने इसमें फ्राई कर दिए हैं। और ये कच्चे ही आलू है, मैंने इसे बॉयल नहीं किया है। और अभी जब मैं चिकन फ्राई करूँगी ना तो उसके साथ भी मैं इस आलू को फ्राई कर दूँगी ताकि ये अच्छे से अंदर तक एकदम पक जाए, कच्चे ना रहे। और ये मीडियम साइज़ के हैं ना तो इसलिए चिकन के साथ अच्छे से ये मतलब कुक हो जाएंगे, कच्चे नहीं रहेंगे आलू। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, धूप काफ़ी अच्छी निकली है ना तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी, आप मेरा पसीना देख सकते हैं, पूरा चेहरे पे पसीना है। और बस जल्दी से खाना बन जाए। और यहाँ देखिए कैंडू क्या कर रहा है, हाँ तो कैंडू प्ले से खेल रहा है, ये देखिए उसने सारे कलरफुल क्ले को मिक्स करके उसको पूरा एकदम काला काला बना दिया है, ब्लैक क्ले। एल्गी ग्रीन है, अच्छा। तो ये क्ले से खेलने में बिजी है और सुबह मैंने इसको होमवर्क करा दिया था क्योंकि संडे है ना तो शाम को हो सकता है हम लोग बाहर बाहर निकलते हैं, कहीं जाना होता है। तो मम्मी घूम भी जाओगी? कब? शाम को घूम ही जाना है, देख रहे हैं। अच्छा ठीक है,
तो शाम को संडे को हम लोग कहीं ना कहीं बाहर निकलते ही हैं, और स्पेशली इसी के लिए निकलते हैं क्योंकि इसको रहता है पापा घर में है तो कहीं घुमा देंगे। और टॉय भी खरीदते हैं मम्मी उनका। अच्छा ठीक है। तो इसलिए मैंने इसे होमवर्क करा दिया है ताकि शाम को कहीं निकले भी तो कोई दिक्कत नहीं हो। ये होमवर्क बाकी रहता है ना तो फिर जाने का मन नहीं करता है मेरा। और ये जो क्ले से खेल रहा है, ये जन्माष्टमी के दिन जो गए थे शाम को बाजार से उसने खरीदा था, और देखिए अभी 2 या 3 दिन हुए हैं वो सब मिक्स करके उसने एक ही दिन वो सही से खेला है, उसके बाद उसने सारे कलर मिक्स करके उसको एल्गी ग्रीन कलर का बना दिया है। मैंने ब्लैक कहा तो बोलता नहीं एल्गी ग्रीन, तो हमसे ज़्यादा आजकल ना बच्चे कलर पहचानते हैं, उनके जो जो क्रेयॉन सेट होता है ना उसमें सारे कलर्स में नाम और लिखे होते हैं, तो वो नाम पढ़ पढ़ के ना इन लोगों को सारे कलर एक्चुअल में पता होते हैं। हम तो हमारे लिए एक ही ग्रीन है, लेकिन इनके लिए ग्रीन के भी 2-3 वेराइटीज़ है, येल्लो के भी 2-3 वेराइटीज़ है, ऐसे करके सभी कलर के अलग अलग शेड्स सारे नाम ये जानता है। अब देखिए आलू भी फ्राई हो चुका है, तो चलिए इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। अब इसी में मैं चिकन फ्राई करूंगी, तो थोड़े से खड़े मसाले ऐड कर देती हूँ। दालचीनी है, थोड़े से लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची। तो अब ना मैं कढ़ाई में मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर दूंगी, और इसे स्लो फ्लेम पे हम धीरे धीरे भूनेंगे जिससे कि हमारे मसाले अच्छे से भून जाए और हमारा चिकन भी अच्छे से भून जाए, सारे फ्लेवर एक दूसरे के साथ अच्छे से मिल जाए। तो यहाँ ना आप लोग पूरी रेसिपी लास्ट तक देखिएगा, मैंने काफ़ी आसान तरीके में आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यहाँ पर चिकन भी भून गया है, देखिए काफ़ी अच्छे से भून चुका है, और मतलब बिरयानी के लिए जब हम राइस या चिकन बनाते हैं तो पूरा नहीं हमें उसे कुक करना होता है, 70-80% आप कुक करिए, बाकी जो हम अब इसको दम में लगाएंगे तो उसमें बाकी का कुक हो जाएगा। तो ये उतना ही हो चुका है ये जितना हमें चाहिए, तो फिर अब चलिए मैं इसको दम में लगा देती हूँ। तो दम के लिए आप देखिए नीचे, और यहाँ से देखिए वीडियो बनाने से धूप आ जाता है, डायरेक्ट सनलाइट आ जाता है। तो यहाँ पे नीचे मैंने ये रख लिया है एक बड़ा सा बर्तन, इसमें मैं दम लगाऊंगी, हालांकि थोड़ा सा बड़ा है जितना मैं क्वांटिटी बना रही हूँ उस हिसाब से, लेकिन और कुछ कर नहीं सकते, मेरे पास यही बर्तन है और मैंने थोड़ा बड़ा साइज में ही लिया है क्योंकि घर में अगर कोई आ भी जाते हैं थोड़े गेस्ट वेस्ट तो एक साथ मतलब एक बार में ही बन जाए, तो इसी में मैं दम लगाऊंगी क्योंकि इसका जो नीचे का तला है काफ़ी मोटा है, बिरयानी के लिए ही स्पेशली है। तो चलिए मैं जल्दी से दम में लगा दूँ। तब ये जो हांडी है इसको मैंने पहले घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया था, उसके बाद भुने हुए चिकन ऐड कर दूंगी, और उसमें मैं थोड़ा सा ना आधा कप के तन जैसा पानी भी ऐड करूंगी ताकि हमारा चिकन नीचे से जल ना जाए। और उसके बाद फिर इसमें हम पुदीने के पत्ते, धनिया के पत्ते और जो फ्राइड ऑनियन हमने बनाए थे शुरू में वो ऐड कर दूंगी। इसके बाद चावल के मैं 2 लेयर लगाऊंगी, 1 लेयर मैं आप लोग को यहाँ बता रही हूँ कैसे लगा रही हूँ, और उसी तरह सेम मैं दूसरा लेयर भी लगाऊंगी। तो यहाँ पे चावल में भी मैंने सेम उसी तरह फ्राइड ऑनियन, धनिया के पत्ते, पुदीने के पत्ते और घी ऐड किया है। घी ज़रूर ऐड करिएगा, नहीं तो क्या है चावल हमारे ना बहुत ड्राई ड्राई हो जाएंगे। और बस लास्ट में जो सब चावल का लेयर है ना उसमें मैंने ना थोड़ा सा ये बिरयानी मसाला पाउडर भी ऐड किया था ताकि चावलों में भी बिरयानी का फ्लेवर अच्छे से आए। और बस ये हमारा जो है लेयर तैयार हो चुका है, और अब इसे हम दम पे लगा देंगे। 10 मिनट के लिए करीब दम पे लगाएंगे, बस उतना ही इनफ है। तो यहाँ पे तवा गर्म हो चुका था तो यहाँ पे मैं दम पे लगा रही हूँ, और ऊपर से ना एक भारी सा वजन रख देंगे, तो मैंने यहाँ मसाला पीसने वाला जो सील होता है वो रख दिया था। तो यहाँ पे देखिए हमारी बिरयानी बनके बिल्कुल रेडी है, गरम है। देख सकते हैं बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इसे मैं प्लेट में निकाल के आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये रही हमारी बिरयानी, इसका चावल देखिए कितने अच्छे खिले खिले हैं और कलर भी काफ़ी अच्छा आया है। आप लोग को कैसा लग रहा है देखने में ये आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ बिरयानी हमारी बनके रेडी है, और मैं टेस्ट करके देखती हूँ कैसा बना है। साथ ही मैंने यहाँ धनिया पुदीने की चटनी भी बनाई है और थोड़ा सा रायता भी बनाया है क्योंकि ये बिरयानी के साथ ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगता है, ये टेस्ट करते हैं। चटनी
भी बहुत टेस्टी है। अब मैं थोड़ा रायते के साथ खाऊंगी। काफी टेस्टी बना है बिरयानी। चावल भी एकदम खिले खिले हैं और चिकन भी काफी सॉफ्ट है। तो आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।